नमस्ते, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया मतलब आप खुद को या किसी और को इस बीमारी से ठीक करना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, ये आप कर पाओगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बीमारी के पीछे कारण यानी कौन सी सोच, कैसे विचार या भावनाएं जिम्मेवार है, और उस नेगेटिव भावनाओं की जगह कैसी पॉजिटिव फीलिंग्स या सकारात्मक सोच या पॉजिटिव विचार करना है, यह आप जानेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वीडियो सीरीज का इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए, यू कैन हील योर बॉडी, जिसकी लिंक यहाँ दी है या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज के अफर्मेशंस की, जिसे आपको लगातार एक महीना करना है पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। रिपीटेडली बार बार आप इसे करते रहें। आपको सुबह उठते ही तुरंत और रात को सोने से जस्ट पहले आँख बंद करके बैठना है और इस अफर्मेशंस को मन ही मन रटते रहना है। साथ ही पॉजिटिव फीलिंग्स भी लाने की कोशिश करें, जैसे कि ध्यान में मेडिटेशन में बैठे हो वैसे बैठकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यानी अफर्मेशंस को दोहराओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और बाकी पूरे दिन भी कभी भी कहीं भी आप इसे मन ही मन बोल सकते हो या एक डायरी बनाकर रोज़ 21 बार इसे लिख भी सकते हो। जाने नपुंसकता इम्पोर्टेंस, इस बीमारी के पीछे कारण, भाव, विचार, मान्यता और उपाय। कारण है जातीय दबाव, तनाव, अपराध बोध, गिल्ट की भावना, सामाजिक धारणाएं, भूतपूर्व साथी के प्रति घृणा, माता का भय। उसका उपाय है नई विचार प्रक्रिया, मैं खुद को और सबको क्षमा करता हूँ, मैं अब अपने जातीय सिद्धांत की समूची शक्ति को सहजता और आनंद के साथ संचालित होने की मंजूरी देता हूँ।